आज मैं आपके साथ में सर्दियों की स्पेशल सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बनती है, झटपट बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो चलो आओ रेसिपी स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे रिदांस मॉम व्लॉग में। तो आज मैं एक सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, हरे प्याज की सब्ज़ी। ठीक है, तो ये बहुत ही सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मिलती है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। तो जो इसकी रेसिपी है, तो मैं आपके साथ इसका इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या लगेगी। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, झटपट बनने वाली है। चलो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले तो ये मैंने हरा प्याज ले लिया है, फिर मैंने ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए हैं। तड़के में हमें लगेगा लहसुन, 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। 7 से 8 हरी मिर्च मैंने लिए, क्योंकि सर्दियों की मिर्च हमेशा बहुत कम तीखी होती है। और ये मैंने आलू ले लिए हैं मैंने, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक स्वाद अनुसार नमक लगेगा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें मैं तेल डालूँगी। मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी, तो इस सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम गर्म होने तक का वेट करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन जैसे हम डालने के बाद हम तुरंत हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। हमारा लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से लाल हो चुकी है, इसी टाइम हम हरा प्याज ऐड कर देंगे। हरा प्याज ऐड करने के बाद हम इसे तुरंत आलू भी सारा ऐड कर देंगे इसी में। आलू के साथ साथ हमें नमक भी, ये टमाटर भी ऐड कर देंगे इसी टाइम, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। नमक हमेशा स्वाद अनुसार डालें ताकि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक दें। 5 से 10 मिनट बाद इसे खोलें। स्लो आंच पे हम इसे हम ढक देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें सब्जी को अच्छे से मिक्स करते रहना है और नमक जरूर चेक कर लेना कि कम हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना ताकि नीचे सब्जी हमारी चिपक ना जाए। बीच में के लिए हमें चेक करना भी बहुत जरूरी, और लेंस बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था इसका। ढक्कन को हटाने के बाद देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, हमारी सब्जी हो चुकी थी। इसको गैस को तेज करके अच्छे से हमें भूनना है ताकि ज़रा सी भी नमी ना रह जाए, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। सिर्फ दो ही सामान लगता है इस तड़के के लिए, लहसुन और हरी मिर्च। और बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बहुत ही यमी लगती है। अगर आप ऐसे सिंपल तरीके से बनाएं तो ऐसी सब्जियाँ भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और मेन बात है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी है ये। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ ऐसे शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच।